नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सीजी पीएससी मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है, जल्द आरोपियों से पूछताछ हो सकती है। सीजी पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव के ठिकानों से मिली जानकारी, भिलाई और रायपुर में घर से मिली अहम जानकारियां, सीजी पीएससी के परीक्षा नियंत्रक के ठिकानों पर भी तलाशी ली गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीजीपीएससी मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है, जल्द आरोपियों से हो सकती है पूछताछ। तो वहीं सीजीपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव के ठिकानों से जानकारी मिली है, भिलाई और रायपुर में घर से मिली अहम जानकारियां, सीजीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक के ठिकानों पर भी तलाशी ली गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां सीजीपीएससी मामले में सीबीआई ने जांच और तेज कर दी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी गिरफ्तारी हो चुकी है और इनसे पूछताछ की जाएगी। सीजीपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव के ठिकानों से कई जानकारियां भी मिली हैं। भिलाई और रायपुर दोनों जगहों पर सीबीआई ने छापा मारा था, दस्तावेज खंगाले गए थे और भिलाई साथ ही रायपुर में घर से कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। सीजीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक के ठिकानों पर भी तलाशी ली गई है। तो आप ये देखिए, दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर रायपुर साथ ही भिलाई में सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की है। दरअसल सीजीपीएससी काफी पुराना घोटाला और इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। वहीं सरकार विपक्ष पर निशाना साध रही है, उनका ये कहना है कि कांग्रेस की सरकार के दौरान ये तमाम घोटाले हुए हैं और अब इसकी गहनता से जांच किए जाने की बात कही जा रही है। अब सीबीआई मामले की जांच में जुट गई है, मामले की जांच तेज कर दी गई है। सीधे रुख करेंगे रायपुर से संवाददाता आकाश शुक्ला जुड़ गए। आकाश, अब जो आरोपियों को हिरासत में लिया गया उनसे पूछताछ की जा सकती है, सीबीआई पूरे मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। जी बिल्कुल, भाजपा सरकार आने के बाद जो सीजीपीएससी का मामला था वो सीबीआई को सौंप दिया गया है और लगातार जांच की जा रही थी। कल जो है वो छापेमारी की गई, तत्कालीन जो सीजीपीएससी के अध्यक्ष थे और सचिव थे दोनों के जो आवासीय परिसर में वहां पर पहुंचे थे अधिकारी, पूछताछ किए, कई जानकारियां ले गए हैं और इस जो मामला है सीजीपीएससी के उस मामले को तेज कर दिया है। जिनकी भी शिकायतें आई है उनका भी बयान लिया जाएगा और जो भी आरोपी है उनसे पूछताछ किया जाएगा, आगे लगातार जारी है। और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जितने भी दोषी हैं वो सभी को कार्रवाई होगी, हर एक बिंदु पे जो है वो जांच किए जा रहे हैं और जो कल जानकारियां जुटाई जा रही, कहा जा रहा है कि सीजीपीएससी जल्द ही जो है आरोपियों को भी बुला सकता है, जिनके जिनके नाम है उनको बुला सकता है। वहीं जिन्होंने शिकायत की थी उन पक्षकारों का भी बयान जो है सीबीआई वो दर्ज कर सकती है और जल्द ही इस पर फैसला होने वाला है। जी बिल्कुल, जल्दी फैसला भी होने वाला है, देखना है कि क्या कुछ परतें खुलती हैं, क्योंकि लगातार भिलाई और रायपुर में तलाशी की गई है और दो जगहों पर घर से कई चौंकाने वाले दस्तावेज, अहम दस्तावेज भी मिले हैं। बहुत शुक्रिया आपका आकाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां पर एक तरफ सीबीआई मामले की जांच में तेजी ला रही है और जो ठिकाने हैं कई जगहों पर जांच की गई है। अगली खबर दुर्ग से, महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में एक्शन लिया गया, आरोपी आरक शाहदेव सिंह यादव को बर्खास्त कर दिया गया। जांच के बाद एसपी जितेंद्र शुक्ला ने कार्रवाई की है, आरक्षक की सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया गया है। गिरफ्तार आरक्षक सहदेव सिंह यादव बर्खास्त कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको दुर्ग से दे रहे हैं, जहां पर महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में एक्शन में सरकार नजर आ रही है। आरोपी आरक्षक सहदेव सिंह यादव को बर्खास्त किया गया और जांच के बाद एसपी जितेंद्र शुक्ला ने कार्रवाई की है, आरक्षक की सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया गया। गिरफ्तार आरक्षक सहदेव सिंह यादव को बर्खास्त किया गया है। तो जांच हुई और जांच के बाद एसपी ने कार्रवाई की है और जो आरक्षक है सहदेव सिंह यादव उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सहदेव सिंह यादव को बर्खास्त किया गया है, आरक्षक की सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया गया है। जांच के बाद एसपी ने यह बड़ी कार्रवाई की है, गिरफ्तार आरक्षक सहदेव यादव को ड्यूटी से बर्खास्त किया गया है। और चलिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता दुर्ग से, मिथिलेश ठाकुर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, एक बड़ा एक्शन लिया गया है, एसपी ने खुद इस पर एक्शन लेते हुए आरक्षक को बर्खास्त कर दिया है।
जी बिल्कुल, एक बड़ा एक्शन लिया गया क्योंकि महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के खिलाफ में लगातार दुर्ग पुलिस कार्रवाई कर रही थी और एक के बाद एक कड़ियां खोलते गई। इसमें सहदेव का नाम जो है वो सामने आ रहा था। कई बार ये देखा गया था कि सहदेव अचानक से गायब हो जाता था और उसको किसी भी आदेश की चिंता नहीं रहती थी, चाहे चुनाव ड्यूटी की बात किया जाए चाहे अघोषित छुट्टी के रूप में बात किया जाए। करीब 127 दिन सहदेव यादव जो है वो अपने जो उनके कर्तव्य थे वो कर्तव्य से विमुख हुआ था। कई बार नोटिस भी दिया गया लेकिन उसका कोई असर नहीं देखा गया। एक के बाद एक लापरवाही बढ़ती जा रही थी और इसके बीच में जब महादेव ऑनलाइन सट्टे का जो जांच चल रही थी उसमें सहदेव का नाम सामने आया था। जांच में भी पाया गया था कि सहदेव पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था, मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगा था, उसने अपने खातों से कई पैसों का लेन देन किया था। ऐसी तमाम चीजें थी जो सहदेव के खिलाफ में थी। लगातार जांच चल रही थी और अभी गिरफ्तार भी है वो। और इसके बाद में अब दुर्ग पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। एसपी जितेंद्र यादव ने कार्रवाई करते हुए अब सेवा बर्खास्त कर दी है सहदेव यादव की। तो अब कुल मिलाकर यह है कि एक बड़ा एक्शन लिया गया है और यह भी स्पष्ट है कि जो इस तरह के कार्य में लिप्त रहा है उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो अब कार्रवाई की जा रही है और जो आरक्षक है उसे बर्खास्त कर दिया गया है। बलौदा बाजार हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर है जहां भीम रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चतुर्वेदी ने सरेंडर कर दिया है और अपने साथी के साथ सरेंडर किया है। सीजीएम कोर्ट में सरेंडर किया गया, पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है और ये पूरा मामला जहां बलौदा बाजार हिंसा मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी हैं और अब भीम रेजिमेंट के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिनेश चतुर्वेदी, इन्होंने खुद सरेंडर किया है, अपने साथी के साथ सरेंडर करने की जानकारी है। सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया, पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया है। और संवाददाता योगेश यादव जुड़ गए। योगेश, भीम रेजिमेंट साथी अपने साथी के साथ इन्होंने सरेंडर किया है। आज की बलौदा बाजार कलेक्ट्रेट में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना के बाद लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी थी। इसी बीच जो भीम रेजिमेंट के जिला अध्यक्ष थे दिनेश चतुर्वेदी, उन्होंने अपने साथी हेमंत बंजारे के साथ सीजीएम कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिए न्यायालय से 20 जुलाई तक रिमांड मांगा था। लेकिन जो न्यायालय है उन्होंने 18 जुलाई तक इसकी रिमांड दिया है और 18 जुलाई के तक पुलिस इससे पूछताछ करेगी कि आखिर घटना में कौन कौन शामिल थे और कौन नहीं। कारण ये है कि हिंसा के बाद कई अलग अलग संगठनों को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है सीसीटीवी वीडियो फुटेज के आधार पर। इसी को लेकर जो इनको कई बार चेतावनी दी गई थी, इसी बीच इन्होंने खुद आकर सीजीएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। हालांकि बार बार पुलिस के जो बयान है उसको, आरोप है उसको लगातार निगरानी कर रहे थे, लेकिन इस बीच पुलिस ने अब 18 जुलाई तक इनको पूछताछ करेगी, उसके बाद पता चलेगा कि आखिर इनके रेजिमेंट और कौन कौन इसमें शामिल थे। हालांकि इस पूरे मामले पर अब तक 163 आरोपियों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है, उसमें कल जिसमें 4 आरोपी गिरफ्तारी, उसमें एक शिक्षक भी थे, उनके ऊपर भाषण मंच के दौरान भाषण में भकाने का आरोप भी लगा था, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की गई और लगातार पुलिस की गिरफ्तारी वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जारी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से लगातार अब जांच की जा रही है। भीम रेजिमेंट के प्रदेश अध्यक्ष का सरेंडर, उसके इन्होंने अपने साथी के साथ सरेंडर किया है, पुलिस ने हिरासत में लिया है। जांजगीर चांपा में पत्नी ने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। पति की हत्या के आरोप में पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल शराबी पति से बहुत तंग आकर पत्नी ने इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया और बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हथौड़े से पहले सिर पर हमला किया गया, मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद चाकू से गले पर कई बार किए गए। पामगढ़ थाना क्षेत्र के डोंगा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां शराबी पति से तंग आकर पत्नी ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया, बड़ी वारदात को अंजाम दिया और बेरहमी से पति की हत्या कर दी। हथौड़े से सिर पर वार किया और उसके बाद चाकू से कई बार गले पर वार किया। जो आरोपी पत्नी है उसे पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया है। अपने शराबी पति से तंग आकर पत्नी ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। तो शराबी पति से तंग आकर पत्नी ने अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया और पति की हत्या के आरोप में हालांकि पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। संवाददाता कैलाश कश्यप जुड़ गए। कैलाश, पूरा मामला बताइए, क्या लगातार विवाद होता रहता था दोनों के बीच में? जी, लगातार पति जो है शराब पीता था और शराब पीने के बाद घर में पत्नी और बेटे से लगातार झगड़ा करते थे। साथ में पैसा की मांग भी की जाती थी, पैसा नहीं देने पर उनके पास रखे गए घर चलाने के जो पैसा होते थे उनको छीन कर मारा पीटा लगातार करते थे और कई बार पत्नी
को चोट भी आई थी, इससे वो बहुत परेशान थी और उसी दिन फिर से वो गांव की बाजार गए और बाजार में फिर से शराब पी कर आए और घर में भी शराब लेके आए और सब्जी भी लेके आए थे। उस बीच फिर से वो अचानक सोए थे और अचानक फिर से झगड़ा वाद विवाद बढ़ गया तो पत्नी ने तंग आकर फिर दिशा मैदान के बहाने लेकर उसको लेके गया और साड़ी में अपने हथौड़ा छिपा के लेके गया था। साथ में दिशा मैदान के बाद वो पति को मौका देख के हथौड़ा से लगातार ताबड़तोड़ वार कर दी, सिर में चोट आए और वो बेहोश हो गए। उसके बाद फिर घर आई दौड़ते हुए, घर से फिर चाकू लेके गई अंजुनट जो पत्नी है उनकी और लगातार वो चाकू से गला पे वार किया और उसको घसीट के तालाब के किनारे फेंक दिए। और वो 3 दिन पहले की घटना है और कुल मिलाकर पुलिस ने तहकीकात की और फॉरेंसिक ने सारे सबूत इकट्ठा करके पत्नी को अभी हिरासत में भेज न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए कैलाश। तो अब न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है, हिरासत में पुलिस ने ले लिया है और जो पत्नी है वो बहुत ज्यादा परेशान थी अपने पति से, उसके बाद उसने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दुर्ग में बैंक कर्मचारियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगा, बैंक के 9 अधिकारी और कर्मचारियों पर FIR दर्ज हो चुकी है। 1,32,00,000 की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। लोन के खाते में छेड़खानी का आरोप लगा, 3 खाताधारकों ने बैंक के खिलाफ न्यायालय में परिवाद किया था दायर और जानकारी निकल कर आई है कि बैंक के ही जो अधिकारी और कर्मचारी हैं इन्होंने धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया है। बैंक के 9 अधिकारियों और कर्मचारियों पर इसके चलते FIR भी दर्ज हो चुकी है। 1,32,00,000 की धोखाधड़ी का आरोप लगा है, लोन के खाते में छेड़खानी का आरोप लगा है, 3 खाताधारकों ने बैंक के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दायर किया था और उसके बाद इस मामले का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। संवाददाता मिथिलेश ठाकुर जुड़ गए। मिथिलेश, 3 खाताधारकों ने बैंक के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दायर किया था, उसके बाद ये पूरे मामले का खुलासा हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, अब जो है कि न्यायालय के आदेश पर जो है पुलिस को महानगर पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है और वह पूरे मामले की जांच की जाएगी। ये पूरा मामला जो है इंडियन बैंक जो इलाहाबाद बैंक के नाम से जाना जाता है, इसकी दुर्ग की संतराबाड़ी शाखा का ये पूरा मामला है जहां पर इस तरह की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। 9 बैंक कर्मियों में इस पूरे मामले में FIR दर्ज की गई है और पूरे मामले में जांच की जाएगी। ये पूरा मामला जो है वो धोखाधड़ी का है जिसमें ये बताया गया कि जो जिस तरह प्रार्थियों ने लोन लिया था उसकी अवधि बढ़ा दी गई, इस वजह से उनको जो है अधिक ब्याज देना पड़ा है और अधिक मूलधन भी देना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं इसमें इसको उनको लाखों का नुकसान हुआ है, करीब 1,32,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि एग्रीमेंट कुछ और किया गया था। तो अब इस पूरे ही मामले की जांच करेगी पुलिस और जांच के बाद में जो आरोपी है उनके खिलाफ में कार्रवाई भी की जाएगी। तो 9 लोगों के खिलाफ में अभी FIR दर्ज की गई है और लगातार अभी जांच जारी है। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। तो 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, मामले की जांच की जा रही है, 1,32,00,000 की धोखाधड़ी का ये पूरा मामला सामने आया है। और अब बात करेंगे सूरजपुर से बड़ी खबर की। दल से बिछड़ा एक दंतैल हाथी नगर पंचायत प्रतापपुर में घूम रहा है। बीते 2 दिनों से हाथी रिहायशी इलाके में घूम रहा है, वन विभाग हाथी की निगरानी में जुटा हुआ है। हाथी की खबर से लोगों में दहशत का माहौल है। कुछ दिन पहले हाथी ने स्कूल का गेट तोड़ दिया था और अब इलाके में ये दंतैल हाथी घूम रहा है। दरअसल ये हाथी अपने दल से बिछड़ गया है और लगातार अगर कोई इसके सामने आएगा तो उस पर हमला भी करने से नहीं चुकेगा, क्योंकि स्कूल का कुछ दिन पहले ही हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जब इसने गेट तोड़ दिया था और लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है जब हाथियों के हमले में लोगों की जान पर बनाती है, घरों को तहस नहस कर देते हैं। संवाददाता वरुण राय जुड़े। वरुण, क्या सफलता हाथ लगी, हाथी को अपने दल से मिलवा दिया गया है? अब जिस तरह से लगातार 2-3 दिनों से हालात बने हुए, दंतैल हाथी नगर निकाय क्षेत्र में घुस गया है और जो वन अमला है वो फिलहाल निगरानी तो कर रहा है लेकिन लोगों को भी मुनादी करके उन इलाकों से जो सरहदी क्षेत्र है नगर निकाय से उनसे दूर रहने बोले, क्योंकि पास के जंगल में महज 3 किलोमीटर दूर में भी अभी हाथी मौजूद है। तो किसी तरह से वन अमला चाह रहा है कि हाथी जंगल जो मुख्य जंगल है उसकी ओर चले जाए कि वो अपने दल तक पहुंच सके, क्योंकि जब तक दल तक नहीं पहुंचेगा तब तक यहाँ जो नगर निकाय क्षेत्र है उस क्षेत्र के इलाकों में दहशत का माहौल बना रहेगा, जान माल की हानि पहुंच सकती है, उस पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वरुण तमाम जानकारी के लिए। तो हाथी पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और वन विभाग कोशिश कर रहा है कि जल्द ही दल से इसको मिलवा दिया जाए। अभी फिलहाल 2 दिन से ये हाथी दंतैल हाथी इलाके में अकेले घूम रहा है।
छत्तीसगढ़ विजन 2047 को लेकर संवाद कार्यक्रम का आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। युवा, कृषक, महिला और प्रबुद्ध लोगों से संवाद करेंगे। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में कार्यक्रम होगा। दोपहर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से दे रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ विजन 2047 को लेकर संवाद कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल होंगे। युवा, कृषक, महिला और प्रबुद्ध लोगों से सीधा संवाद सीएम साय करेंगे। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में कार्यक्रम का आगाज होगा। दोपहर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और सीधे तौर पर लोगों से संवाद करने वाले हैं। तो आप ये देखिए, छत्तीसगढ़ विजन 2047 और इसको ध्यान में रखते हुए युवा, कृषक, महिला, प्रबुद्ध लोगों से संवाद, सीधे संवाद करेंगे सीएम। और संवाददाता आकाश शुक्ला जुड़ गए हैं। आकाश, क्या तैयारियां की जा रही हैं? संवाद कार्यक्रम रखा गया न्यू सर्किट हाउस में और आज सीएम सीधे कई लोगों से संवाद करने वाले हैं। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकसित भारत 2047 का जो संकल्प रखा है उसी को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ को विकसित करने का संकल्प मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रखा है। और 1 नवंबर को जो है विजन डॉक्यूमेंट आने वाला है 2047 का, विकसित छत्तीसगढ़ कैसा होगा उसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार फोकस कर रही है। उसको लेकर ही लगातार जो छत्तीसगढ़ सरकार समीक्षा कर रही है, चर्चा कर रही है, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को बुला रही है और किस तरीके से छत्तीसगढ़ को बढ़ाया जाए उस पर मंथन हो रहा है। अमृतकाल का जो आज का कार्यक्रम है वो भी इसी तरीके से कार्यक्रम है। अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को बुलाया गया है, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़े हो, शिक्षा के जुड़े हो, सामाजिक क्षेत्र से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग क्षेत्र से, और तमाम जो विषय विशेषज्ञ के लोग हैं उनसे बारी बारी चर्चा की जाएगी। उसको लेकर नीति आयोग के बैनर तले ये कार्यक्रम हो रहा है कि तमाम उस बिंदुओं पर मुख्यमंत्री और तमाम जो अधिकारी हैं वो चर्चा करेंगे और उन बातों को प्रमुखता से रखेंगे जिसको छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाया जा सकता है। मुख्य फोकस इसमें युवा है, किसान है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है, किस तरीके से योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है और एक समृद्ध छत्तीसगढ़ बनाना है, इसको लेकर जो मंथन है और विजन डॉक्यूमेंट आने वाला है उसको लेकर ही कार्यक्रम है। 3 बजे कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री शामिल होंगे। 4 बजे तक 1 घंटे तक लोगों के साथ चर्चा करेंगे और ये विषय को भी विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आकाश। तो इस तरीके से विजन 2047 को ध्यान में रखते हुए ये संवाद कार्यक्रम रखा गया है और इसमें कई वर्गों से बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री।